ये यहाँ पर जो बड़े दुकान के दुकानदार हैं, जो यहाँ पर बाहर में कुर्सी लगाए हैं, इन सभी को यहाँ से हटाया जाएगा। जो करकट लगा कर रखे हैं उन सभी को हटाया जाएगा। यहाँ पे जो अंडा मुर्गी का दुकान है सबको हटाया जाएगा। यहाँ कुछ किए हुए हैं? हाँ, सैलून का दुकान है सर, फुटपाथ पर है। इधर इधर आइए, कहाँ दुकान? देखिए इनका दुकान देख लीजिए। अब बताइए इस जमाने में देखिए ये किस तरह से ये गरीब आदमी यहाँ पर फुटपाथ पर ये सैलून का दुकान किए हुए हैं। 150 कमाते होंगे, खाते होंगे, इनसे इनका परिवार चलता है। और कल सबको हटा दिया जाएगा यहाँ से। कहाँ जाएंगे फिर आप? कहाँ जाएंगे सर, कहीं पर जगह नहीं है। 10 बाल बच्चा पालते हैं सर, फुटपाथ पर कमाते हैं गरीब आदमी। 40 साल से अतिक्रमण हो रहा है सर, खाली गरीबे के मरण अतिक्रमण होता है। आज तक जगह कुछ नहीं मिला? आज तक कभी नहीं मिला सर जगह, बस इसी तरह जिंदगी काट रहे हैं सर। इस दो कुर्सी को रख के आप कितना कमाते हैं डेली? कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 80 रुपया, कभी 150 रुपया, यही कमाते हैं सर। तो दुकान काहे नहीं करते हैं बड़ा वाला? पूंजी नहीं ना हमारे पास सर, पूंजी रहता तो नहीं है सर। नहीं है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की बुलंदबाज और मैं हूं समर राठौर। देखिए अभी जो है गया जिले के फतेहपुर में है और जो कल यहां पर जो है वो अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलने वाला है। और देख सकते हैं किस तरह से यहां जो छोटे दुकानदार थे अभी से ही जो है वो उनको सूचना जब मिली है कि कल यहां पर जो है अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर चलेगा, तो सभी लोग अपना जो है यहां से अपना जो भी दुकान की है वो साइड करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहां पर जो है कई बार अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर चला है, कई बार अतिक्रमण लगा है। यहाँ की प्रशासन इन लोगों को जो है एक जगह अभी तक चयनित करके नहीं दिया है। देखिए आगे सब्जी का दुकान है, आगे दिखाएंगे, इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे सब्जी का दुकान है और वहाँ पर जो है वो हजारों की संख्या में प्रतिदिन ग्राहक आते हैं। और इस तस्वीर को दिखाएंगे, कल यहाँ पर जो है वो पूरा लगातार झंडा चौक से लेकर देखिए छोटे छोटे दुकानदार है जो यहाँ पर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं और इन लोगों को कल यहाँ से जो है हटाया जाएगा। इस तस्वीर को थोड़ा दिखाते हैं, जितना ये सब्जी मंडी है झंडा चौक के समीप जहाँ भी अतिक्रमण लगा है, ये जहाँ ठेला लगा है, ये सबको यहाँ से हटाया जाएगा। कोई नहीं बख्शे जाएंगे। जो ये सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, सबको यहाँ से जो है कल हटा दिया जाएगा। और इन लोगों को आज जो है सूचना दिया जाएगा कि अपना अपना जो आप लोग सब्जी का स्टॉल लगा कर रखे हैं कल तक सुबह 8 बजे से पहले आप लोग हटा लीजिएगा। अगर नहीं हटाएंगे तो प्रशासन जो है पेनल्टी लगाएगी और कार्रवाई भी करेगी। पूरा यहां से आप देख सकते हैं जिस तरह से सड़क के चौड़ीकरण की बात है कि यहां पर अतिक्रमण लगाया जाता है। छोटे छोटे लोग दुकानदार हैं यहाँ पर, सब्जी बेचते हैं यहाँ पर, जो है वो अंडा की दुकान है, मुर्गा की दुकान है, चिकन की दुकान है। जो छोटे छोटे व्यवसायी लोग देखिए यहाँ पर ये धंधा कर रहे थे। दुकान उकान नहीं है आपका? नहीं है सर। यहाँ पर कितना दिन से लगा रहे हैं? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। कल यहाँ से हटा दिया जाएगा आप लोगों को? ठीक है, जैसा मर्जी वैसा कर देंगे। सूचना मिला है? सूचना नहीं मिला है। नहीं मिला है। कहाँ जाइएगा फिर आप? जाएंगे किधर, फुटपाथ पर लगा देंगे किधर, कहाँ पर जाके लगा देंगे फिर कहाँ पर जाना है तो क्या करें, कुछ है ही नहीं तो फिर। देखिए ये छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास दुकान नहीं है, कहाँ जाएंगे ये लोग। हालांकि अतिक्रमण लगाना जो है गलत बात है, कानून के खिलाफ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों के लिए जो है वो जगह भी चयनित होना चाहिए कि आखिर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। कोई सैलून का दुकान क्या अतिक्रमण हटाया जाएगा? हम कुछ नहीं बोल सकते। कहाँ है अतिक्रमण भी किए हैं? नहीं नहीं किए हैं। फिर ले उलिए हैं क्या आप? नहीं नहीं। कैसे सुने नहीं हैं? दारू नहीं पिए हैं? ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग जो है वो तैयारी में लगे हैं। अब इन लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने ऐसा कोई फैसला सुनाया है तो हम लोग स्वेच्छापूर्वक हट जाएंगे, लेकिन जगह इन लोगों का चयन होना चाहिए। क्या कल बुलडोजर चलने वाला है? पीछे चलिए, देखिए ये भी है, इनका नाम जो है वो जय सिंह है और ये भी एक छोटा सा दुकान किए हुए थे अपने परिवार का जीविकोपार्जन के लिए, छोटा सा दुकान किए थे। ये गरीब आदमी है, इनके पास लाखों रुपया नहीं है कि एक दुकान खोल के बैठ जाए। अब इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, अगर अतिक्रमण किया हुआ है तो आप हटाइए, लेकिन इन लोगों को जगह भी देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, हटाया जाएगा? हम लोग के तो जगह मिलना चाहिए, ये वो परिवार कमाने वाले हैं, 10 परिवार हम लोग खाने वाले हैं। यहाँ कोई मुर्गी काट के कमा खा रहा है, कोई हलवा बेच के कमा खा रहा है, हम लोग को भूखमरी की समस्या आ जाएगा। हम लोग रोड पर चले आएंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 50 दुकानदार? हम लोग को जगह दिया जाए, हम लोग के बना के रेंट, हम लोग रेंट देने के लिए तैयार है सरकार का। अच्छा, रेंट दीजिएगा? हाँ, रेंट हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग के जिस तरह से बना है आपको केदारनाथ मार्केट में दुकान नुमा, उस तरह से हम लोग के दुकान नुमा बना के दिया जाए, है ना, जहाँ हम लोग तैयार हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो लगातार हमेशा अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर अतिक्रमण होता है, लेकिन अभी तक प्रशासन कोई जगह चिन्हित नहीं, कोई चिन्हित जगह नहीं किया प्रशासन, जबकि बहुत सा जगह है ऐसा कि जो बिहार सरकार के अंतर्गत में है वहाँ पर भी एडजस्ट हम लोग के नहीं कर रहे हैं। और बार बार ये अतिक्रमण हटाते हैं। दशहरा का समय है, बोलिए छठ का समय है, कार्तिक का समय है, इस ढंग से अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण कर रहा था तो 2 महीना पहले ही कर देते अतिक्रमण, हम लोग मान लेते।
बोलिए। अच्छा अब क्या कहना चाहेंगे, यहाँ कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन को आप? हम तो प्रशासन से ही कहना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि अभी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण करना होता तो जब पर्व को पार करने दीजिए, उसके बाद अतिक्रमण जगह को चिन्हित किया जाए, जो बिहार सरकार का जगह है उसमें हम लोग क्या गेस्ट किया जाए, अतिक्रमण किया जाए। देखिए यहाँ पर जो है वो हजारों छोटे छोटे ऐसे दुकानदार हैं जो यहाँ से प्रतिदिन कमाकर जो है अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ से सबको हटाया जा रहा है? नहीं हटाया जा, गलत हो रहा है। अभी पर्व के त्योहार के है समय, अभी गरीब मरबे न करेगा जो दो पैसा कमाए खाएगा बाल बच्चा के लिए। सरकार अभी हम अभी अपना पावर ले लिया, फिर सरकार हम लोग को पावर दे देते हैं कि पब्लिक सरकार है। अच्छा, अभी इन लोगों को हटाया जा रहा, दुकान मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, दुकान कहीं पर भी चिन्हित करके इन लोग को दुकान एगो मार्केट बसा देना चाहिए। हाँ हाँ जरूरी चीज है। बार बार कहते हैं, बार बार हम सरकार से कह रहे हैं, अभी बार बार प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं, अनुरोध करते हैं, डीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि हम लोग के चिन्हित करके कहीं पर एडजस्ट किया जाए। आप देखिए, आप शिक्षा नियोजित शिक्षक भी हैं तो अपना बैठ के स्कूल में माला जपते हैं। इन लोग के तो मोहनपुर भेजना चाहिए, बस कटवा देने भेजना चाहिए, और यहाँ जाना चाहिए, ये सब तो करना चाहिए। ये सब तो करते ही नहीं, खाली दुकानदार को गरीब को तबाह करने के लिए पड़ गए। जो अच्छा काम है, जो अच्छा काम है वो करते नहीं है। हाँ, जो 10-10 बरस से जो स्कूल में पढ़े हुए हैं, आज देखिए बालू गिर रहा है यहाँ पर, भरा रहा है राम साहब उस विद्यालय में, 64 ट्री बालू गिरा हम गिने हैं, पूरा गिन लिए। हाँ, गिन लिया, बैठ के अब ट्रैक्टर गिन रहे थे। हाँ, डेली आते हैं, डेली वहाँ ढेरी गिनते हैं। अच्छा, और लिखते हैं हम। हाँ, अब भैया बिहान 200 ट्रैक्टर के बिल बनावेंगे। बोलिए क्या है क्या है? अच्छा देखिए और बताते हैं, यहाँ से सबको स्कूल में पैसा दिया जाता है, लड़कन से एक उन्हें भेरी बॉल देते हैं, न क्रिकेट देते हैं खेलने के लिए, 2 बजे दिन में बहुत देते हैं, जाओ लड़के रौदा में मरो। मतलब सरकारी कर्मचारी खूब भ्रष्टाचार कर रहा है। अभी दम भ्रष्टाचार उस पर ध्यान नहीं है, ध्यान है गरीब पर, यहाँ गरीब पे जाता जल्दी हटा दो। में शिक्षा मित्र के कौन बात हो, आवा लोड कर। देखिए अतिक्रमण जो है उसको लेकर सभी लोग जो है परेशान हो गए। अब यहाँ पे दिखाएंगे छोटा छोटा जो ठेला लगा है, कल सबको हटाया जाएगा। ये यहाँ पर जो बड़े दुकानदार हैं, जो यहाँ पर बाहर में कुर्सी लगाए हैं, इन सभी को यहाँ से हटाया जाएगा। जो करकट लगा कर रखे हैं उन सभी को हटाया जाएगा। यहाँ पे जो अंडा मुर्गी का दुकान है सबको हटाया जाएगा। यानी यूं कहे तो इस सड़क को जो है चौड़ीकरण किया जाएगा। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर अतिक्रमण है। हालांकि कल अतिक्रमण जो है वो हटाया जाएगा, इसके बाद इन लोगों को एक स्थान चयनित करके दे जहाँ ये दुकानदार जो है अपना दुकान चलाए, अपने परिवार का भरण पोषण। क्या अभी यहाँ कुछ किए हुए हैं? हाँ, सैलून का दुकान है सर, फुटपाथ पर है। इधर इधर आइए, कहाँ दुकान? देखिए इनका दुकान देख लीजिए। अब बताइए इस जमाने में, देखिए ये किस तरह से ये गरीब आदमी यहाँ पर फुटपाथ पर ये सैलून का दुकान किए हुए हैं। 150 कमाते होंगे, खाते होंगे, इनसे इनका परिवार चलता है, और कल सबको हटा दिया जाएगा यहाँ से। कहाँ जाएंगे फिर आप? कहाँ जाएंगे सर, कहीं पर जगह नहीं है, 10 गो बाल बच्चा पालते हैं सर, फुटपाथ पर कमाते हैं गरीब आदमी। 40 साल से अतिक्रमण हो रहा है सर, खाली गरीबे के मरण अतिक्रमण होता है। आज तक जगह कुछ नहीं मिला? आज तक कभी नहीं मिला सर जगह, बस इसी तरह जिंदगी काट रहे हैं सर। इस 2 कुर्सी को रख के आप कितना कमाते हैं डेली? कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 80 रुपया, कभी 150 रुपया, यही कमाते हैं सर। तो दुकान काहे नहीं करते हैं बड़ा वाला? पर पूंजी नहीं ना हमारे पास सर, पूंजी रहता तो नहीं है सर। नहीं है जी। देखिए सरकार जो है इन लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो पैसा देना चाहिए, लोन तो फुटपाथ दुकानों का। हालांकि ये मोदी सरकार ने ऐसा स्कीम लाया है कि फुटपाथी दुकानदार को कुछ पैसा दिया जा रहा है, लेकिन मिला कि नहीं आपको? नहीं आज तक नहीं मिला सर, नहीं मिला। ये सारा काम जो है वो धरातल पर नहीं हो रहा है, घोषणा हो रहा है कि लोन दीजिए काम, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण हटाया जाएगा, हटाना भी चाहिए, लेकिन इन लोगों को जो है वो दुकान मिलना चाहिए। नगर प्रशासन से आग्रह है कि आप छोटा छोटा दुकान बनाइए, इन लोगों को एक जगह चयनित करके दीजिए ताकि ये लोग अपने परिवार का जो है भरण पोषण कर सके। बाकी कल हम आपको लाइव दिखाएंगे किस तरह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी तक कुछ ऐसे दुकानदार हैं, देखिए दिखाइए उस तस्वीर को, कुछ लोग जो है अपने से जो है वो गुमटी हटा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाए हैं। लेकिन जब कल प्रशासन का डंडा चलेगा तो सभी को यहाँ से अपना अपना दुकान जो है निश्चित तौर पर हटाना पड़ेगा। हम आपको लाइव वो तस्वीरें दिखाएंगे जिस समय अतिक्रमण होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे मत की बुलंद आवाज, और मैं सुमन राठौर।